welcome again in class 11th physics and the chapter work energy and power okay so in the continuation of work done we just classify there are three there are three kinds or three type the nature of work done okay work done is always scalar quantity okay इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो किस तरीके से वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है देखिए वर्क डन व इसका फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू कल टू एफ एस एफ एक्टर डॉट एस एक्टर मीन्स दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एफ एस कॉस थीटा वेन थीटा इज एक्यूट मीन्स नाइन्टी डिग्री लेस देन नाइन्टी डिग्री कॉस थीटा इज पॉजिटिव मैंस वर्क डन इज पॉजिटिव ओके ठीक है मान लीजिए ये है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एफ है थीटा क्या है अगर नाइन्टी डिग्री से कम है थीटा इज़ लेस देन नाइन्टी डिग्री ठीक है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू इज़ पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वर्डन का नेचर कैसा होगा कैसा होगा पॉजिटिव एग्जाम्पल देख लीजिए मैंने बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब कोई बॉडी फ्री फॉल होता है कैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है इस थीटा कितना है वहाँ पे जीरो डिग्री तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज पॉजिटिव ओके वेन अ लॉन्ड रोलर इज़ पुल्ड बाय अप्लाइंग फोर्स अलोंग द हैंडल एट एन एक्यूट एंगल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव ओके जो लॉन रोलर होता है इसको हम जो खींचते हैं मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए उसके हैंडल पर तो जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है एंगल जो बनेगा वो एक एक्यूट एंगल बनेगा नाइनटी नाइन्टी डिग्री से कम बनेगा इस तरीके से ठीक है इसको हम क्या कर रहे हैं पूल कर रहे हैं इस तरीके से ठीक है तो ये एंगल कैसा है यहाँ पे लेस देन नाइन्टी डिग्री है इसका मतलब ये है कि जो वर्कडन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा ठीक है वेन अ गैस फील्ड इन अ सर्कुलर इन ए सिलेंड्रिकल फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन इज़ अलाउड टू एक्सपांड द वर्क डन बाय द गैस इज़ पॉजिटिव ये भी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे ठीक है जब किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है और एक पिस्टन होता है मूवेबल ठीक है और जो पिस्ट वो जो गैस होती है वो एक्सपांड होती है ठीक है तो उस पिस्टन पे जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है दिस इज द बिकॉज फोर्स ड्यू टू गैसेज प्रेशर एंड डिसप्लेसमेंट ऑफ पिस्टन आर इन द सेम डायरेक्शन किस तरीके से जैसे ये पिस्टन है इस तरीके से ये सिलेंडर है इसके अंदर एक पिस्टन होता है ठीक है ये पिस्टन है ये पिस्टन है ठीक है मान लो यहाँ पे कोई गैस है इस गैस को आपने हीट किया ठीक है तो ये गैसेस मोलिक्यूल क्या होंगे एक्सपांड होंगे गैसेस प्रेशर लगाएंगे प्रेशर कैसा लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा ठीक है तो उससे पिस्टन भी कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है तो फोर्स या प्रेशर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के डायरेक्शन में है इसका मतलब ये कि वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा वेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज़ पॉजिटिव जब स्प्रिंग को खींचा जाता है स्ट्रेच किया जाता है तो जो डन होगा वो भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा वर्क डन क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस एपकॉसिटा वेन थीटा इज ऑपटूज नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा होगा तो वर्क डन कैसा होगा कैसा होगा नेगेटिव होगा वेन अ बॉडी इज थ्रोन अप जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंकते हैं इट्स मोशन इज अपोज बाय ग्रेविटी उसका मोशन ग्रेविटी के अपोजिट में होगा द एंगल थीटा बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिसमेंट एस वेक्टर इज वन एटी डिग्री तो जो एंगल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कैसा होगा वन एटी डिग्री होगा सो वर्क डन इज़ नेगेटिव ओके वर्क डन कैसा होगा निगेटिव होगा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंका ठीक है नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है लेकिन फोर्स नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ फोर्स नीचे की तरफ है तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा अगर इधर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा ओके व्हेन अ बॉडी इज मूव ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द मोशन इज अपोज बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव हमेशा फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसके फ्रिक्शन कैसा लगता है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा ओके नाउ नाविन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन मूविंग व्हीकल वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव ठीक है इसे मान लीजिए कोई बाइसिकल है थीके? इस तरीके से ठीक है इस बाइसिकल का मूमेंट इस डायरेक्शन में है ठीक है और जैसे हम ब्रेक्स लगाते हैं ठीक तो ब्रेक्स जैसे हमने अप्लाई किया तो क्या होगा ब्रेक्स इस एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं इस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ठीक है तो ब्रेकिंग फोर्स जो हो, जा, हो जाएगा वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव वेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूड क्लोजर टू अनादर पॉजिटिव चार्ज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेज इज नेगेटिव बिल्कुल सही बात है दो चार्ज के बीच में क्या बोल रहा है वेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूड क्लोजर टू अनादर पॉजिटिव चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज है पॉजिटिव चार्ज दूसरा प्लस क्यू चार्ज है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो उन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा ठीक है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेचर कैसा हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा वट इज़ जीरो वर्क डन वेन फोर्स अप्लाइड एफ फैक्टर और डिसप्लेसमेंट और बोथ आर जीरो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉसिटाइज जीरो जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में या दोनों अगर ज़ीरो होंगे देखो तीन चीज़ें हैं या तो फोर्स जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए दोनों जीरो हो जाए तब भी वर्कडन कैसा होगा ज़ीरो होगा अगेन व्हेन एंगल थीटा बिटवीन एफ एंड एस इज़ नाइन्टी डिग्री ठीक है या हम ये बोल सकते हैं जो एफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कैसा है नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा एग्जाम्पल देखिए वेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल ठीक है जब हम किसी हार्ड चीज को हार्ड दीवाल की तरफ बहुत धक्का देते हैं फोर्स वी एग्जर्ट ऑन वॉल डज नो वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है आप दीवाल को धक्का मार रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है दीवाल अपनी रुकी हुई है वर्क कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा हाउन दिस प्रोसेस आवर मसल्स आर कॉन्ट्रेक्टिंग एंड रिलेक्सिंग इंटरनल एनर्जी इज बींग यूज अप दट इज वाई वी डू गेट टायर्ड लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी रिलैक्स होगी तो उससे हमारी इंटरनल एनर्जी तो क्या होगी कंज्यूम होगी लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या है जीरो है ओके okay? ये इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आप इन एग्ज़ाम्पल को देखिए और इनको समझने का प्रयास करें ठीक है एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्या न्यूमेरिकल है बॉक्स इज पूर एम अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग हंड्रेड न्यूटन रेडिस्टेंस हाउ मच वर्क इज डन बाई अप्लाइड फोर्स रेडिस्टिव फोर्स वर्क डन क्या हो जाएगा एफ एस कॉस जीरो ठीक है एफ एस कॉस जीरो मीन कॉस जीरो वन हो गया तो हंड्रेड इन टू डिस्टेंस कितना है फोर मीटर फोर हंड्रेड झूल आ जाएगा आंसर वर्क डन बाई रजिस्टिव फोर्स रजिस्टिव फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो एफ एस कोर्स वन एटी डिग्री ठीक है ये आ जाएगा माइनस फोर हंड्रेड जूल ओके वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स ठीक है वेरिएबल फोर्स कैसा होता है मतलब पहले फोर्स पहले फोर्स हमने ज़्यादा लगा दिया फिर उसके बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर फोर्स ज़्यादा लगा फिर अगला फोर्स हमने इंक्रीज कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा हो सकता है हमने फोर्स कम कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ कम हो जाएगा इस तरीके के जब वेरिएबल फोर्सेस हो तब क्या होगा अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज़ रेयर हमेशा कॉन्स्टेंट फोर्स जो है बहुत रेयर होता है वेरिएबल फोर्स होता है इट इज़ वेरिएबल फोर्स विच इज एनकाउंटर्ड मोर कॉमनली ठीक है वी कैन देयर फोर लर्न टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अस कंसिडर अ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द फिक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सिस बट हैविंग अ वेरिएबल मैग्नीट्यूड ठीक है ठीक इस तरीके से इसका डायग्राम है ओके okay? वी एव टू कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी हमको क्या करना है कोई बॉडी उसको ए से बी में जाने में कितना वर्क डन जो है वो करना पड़ा है उसके लिए हम डेरिवेशन जो है वो करेंगे ओके टू डू दिस वी एज्यूम दैट द एंटायर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन फाइनस्टिबल डिसमेंट इन सच डिसमेंट शोन इन फिगर पी टू क्यू एज अ डिसप्लेसमेंट पी क्यू इक्वल टू डी एक्स is इन्फाइट एस्टिमेटली स्मॉल वी कंसिडर दैट ऑल अलॉन्ग दिस डिसमेंट फोर्स इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन ओके देखिए हमने अलग 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 अलग, अलग, अलग इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लिया है इस तरीके से ये एक स्टेप हमने मान ली पी क्यू ये डिस्प्लेसमेंट है कि कैसा ये बहुत स्मॉल डिसप्लेसमेंट है ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है हमने मान लिया कितना है ये डी एक्स है कितना आया डी एक्स ठीक है तो स्मॉल वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू पी टू क्यू जाने में कितना वर्क डन लगेगा ये हम कैसे निकालेंगे डी डब्ल्यू कल टू क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ या डिस्प्लेसमेंट एफ़ इंटू डी एक्स ठीक है तो फोर्स देखिए किधर है ऊपर की तरफ है फोर्स किधर है ऊपर की तरफ डी एक्स कितना है नीचे की तरफ ठीक है डी मतलब क्या है पी क्यू तो आप एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे तो आप इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें पी क्यू आर एस क्या निकाल लें पी क्यू आर एस निकाल लें ओके टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी तो ए टू बी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे सम कर लेंगे ये जो वर्क डन है ये जो स्ट्रिप इस है इसका एरिया ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप है सबका एरिया निकालेंगे तो सबको क्या कर लेंगे सम कर लेंगे तो ये किसका क्या हो जाएगा जित कि कितना फोर्स लग रहा है उन सबको सम कर लेंगे और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है ये हम सम कर लेंगे इसके अंदर ठीक है तो इस तरीके से का, का जो ग्राफ जो है वो हमें मिल जाएगा ठीक है तो हम इसको ये लिख सकते हैं लिमिट डी एक्स टेंस टू ज़ीरो समेशन ऑफ़ एफ इंटू डी एक्स इंट्रीग्रेशन कर दो सबसे बढ़िया जब भी आपको इस ए पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप क्या करें एक्स ए से एक्स बी एक 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 तक इंटीग्रेट कर दें और किसको इंटीग्रेट करेंगे जो भी आपके पास क्वांटिटी है वर्क डन की एफ इंटू डी एक्स ठीक है वेयर एक्स एक्वल टू ओ ए ये ओ ए हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक और एक्स भी कितना है वो बी है ठीक है जब हम हमारे पास में एरिया ऑफ कितना है पी क्यू आर एस उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो टोटल एरिया जितना होगा कौन सा अंडर द कर्व बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस एक्स ए टू तो एक्स बी ये हमें क्या मिल जाएगा वर्क डन मिल जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो वेरिएबल फोर्सेस है वो किसके इक्वल होता है एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व ठीक है फोर्स करो और डिस्प्लेसमेंट करो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है तीन के बीच का जो एरिया है वही हमें क्या देगा वर्क डन देगा ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरिएबल फोर्स ओके आप देखिए इस मेथड को एक बार ठीक है ये एक और मैथमेटिकल uh, है वही है सेम इसमें कोई टू चेंजेस नहीं है ठीक है